फ्लेवर में इसमें मैंगो है, पुदीना भी है, लाल मिर्च। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सभी का स्वागत है इस तड़कते भड़कते वीडियो में। तो आज हम आपको लेके आए रेलेस्टो कैफे या रेस्टोरेंट भी आप कह सकते हैं इसको। तो ये है बैगीपुर चौराहा सुल्तानपुर में। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा देखकर आ सकते हैं। तो हमारे साथ हैं पंकज भाई, और ये पार्टी जो है पंकज भाई हमारे दे रहे हैं। क्यों भाई? भाई फेमस हो चुके हैं, और भाई का जब से वीडियो आने लगा है तब से भाई मुझे भूल गए हैं। नहीं भाई, बाद में वीडियो में दिख रहा हूं उनके। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हम आओ दिखाते हैं आपको क्या क्या है यहाँ पे। आज हम लोग रेलेस्टो में आए हैं प्याजीपुर में, जो ओपन हुआ है काफ़ी दिनों से, लेकिन आज हमारे वीडियो बनाने। काफ़ी अच्छी यहाँ पे लोकेशन है, आप देख सकते हैं कि बनावट काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। और हमारे साथ पंकज भाई आए हुए हैं, काफ़ी खुश हैं आज। बैठने का काफ़ी अच्छा स्थान है, और अंदर तो पूछिए मत। लोग यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे बना हुआ है रेस्टोरेंट क्या इसको कैफे भी हम सब बोल सकते हैं। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलती है। कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलती भाई यहाँ पे, बता दो जिसको कोल्ड ड्रिंक अगर आप सोच रहे हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए तो यहाँ पे आप मत आइएगा, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी यहाँ पे। सिर्फ बियर, हाँ बियर बार है यहाँ पे। बियर बार नहीं है यार, ऐसे क्यों झूठे आपको फैला रहे हो तुम। और यहाँ अभी मतलब मस्त दिख रहा है भाई, नंबर एक का लोकेशन है। आप आइए फोटो शूट, और बाहर भी अभी आपको दिखाएंगे, काफ़ी अच्छा है यहाँ। पंकज भाई कैसे लग रहा है आके? पूरा एक्सप्लोर कर दिए हमने। अरे पंकज भाई फिल्टर लगा के फोटो खींच रहे हैं क्या तुम भाई? फोन में सस्ता वाला है। अरे भाई हम तो हस्ता नहीं है क्या जब भाई कितने दिन बाद मुलाकात हो रही भाई, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हम। नहीं भाई तुम गायब हो गए, मैं गायब हो गया था भाई। ये बहुत पैसा कमाने लगे आप सोच लो, यही पार्टियाँ याद देने मतलब महीने में आते हैं ये 15 से 20 हज़ार रुपये आप कमाने लगे घर बैठे बैठे। अब अगर आप भी जानना चाहते हैं कैसे कमाते हैं, आप इनसे मिल सकते हैं भाई। क्या तरीके बता भाई, बहुत सॉलिड है, उसके लिए मेरे पास आना पड़ेगा भाई। कोई ऐप तो नहीं है? नहीं भाई कोई ऐप नहीं है भाई। स्टार्ट कराओ पैसे लो। हाँ 25 दिन में पैसे डबल। 25 दिन में काफ़ी ब्लॉग देखा आप, प्रतापगढ़ गए थे, इलाहाबाद में टहल रहे हैं, तो इतना स्ट्रगल कैसे कर रहे हैं आप भाई? बस वीडियो के माध्यम से भाई, वीडियो बनाना है तो भाई बाहर घूमना पड़ेगा हमको, वीडियो भी दिखाना है सबको। तो ऑडियंस को समझना चाहिए कि कितना यूट्यूबर लोग कितना मेहनत करते हैं, कहाँ कहाँ ट्रेवल करते हैं, कहाँ भाई यूट्यूबर जिंदगी ऐसा है ना, कोई चीज़ हम ऑर्डर कर देते हैं ना ठंडा हो जाता है। अच्छा, हमारे सचिन भाई का ऑर्डर आ चुका है। तो सचिन भाई प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है इसका, आप देख सकते हैं बर्गर है, पता नहीं है क्या है हमारे सामने, पता ठीक दिन भाई कैसा है फिंगर? जब नंबर एक खड़ा था लग रहा है तुमको भाई, बहुत नंबर एक नंबर का। हाँ आप यार बर्गर खाओ ना। बर्गर खा रहे हो भाई? कब खाओगे? अभी खाऊंगा। अभी तो यार फिंगर वो क्या है, पोटैटो फिंगर खा रहे हो तुम, कह रहे हो बर्गर खा रहे हो। इसके बाद भाई क्या करूँगा, एक ही खाना चाहिए ना। तो भाई कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक मेरी यही है क्योंकि मैं डाइट फॉलो करता हूँ, आपको पता ही होगा। तो इसमें लेमन का वो है, फ्रूट्स वगैरह है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए आप, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या होगा, फैट बढ़ेगा और आपको इस टाइम गर्मी ज़्यादा है, जुकाम भी हो सकता है। अच्छा चला, देश भर ज्ञान न खेलो। तो हमारे सचिन भाई खा चुके हैं, अपनी डिश ख़त्म कर चुके हैं, और खाने का तरीका देख सकते हैं आप इनका क्या सचिन भाई बच्चों जैसा खाते हैं आप। दाया जैसे भी खाया जाता है खाओ। हाँ। कोई मतलब शरम वरम क्या है यार, खाना है खाओ जैसे खाते हो। अब देख सकते हैं कैसे हम खाते भी हैं। तो सचिन भाई ये आप क्या पी रहे हैं? आप ही बता सकते हैं। तो ये हेल्थी जूस है। क्या क्या फ्लेवर है इसका बता सकते हैं आप? फ्लेवर में इसमें मैंगो है, हाँ। पुदीना भी है, हाँ। लाल मिर्च भी है, लेमन भी डाले उसमें। हाँ लेमन लाल मिर्च भी है, बजा के पीजिएगा आप। तो
जा पानी पे बनाओ तो रुक जा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा लोकेशन है, बाहर बालकनी से भी हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छे से यहाँ बनाया गया है। तो भाई पंकज यहाँ क्या कर रहे हो बैठ कर? आपके पास अच्छा अमाउंट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आइए। अगर अगर कम अमाउंट है तो यहाँ मत आइए। आपको सजेस्ट करूँगा आप किसी ढाबे पे खाना खा सकते हैं, लेकिन यहाँ मत आइए।